सो हाय गाइस, तो मित्रों और मित्रणियों, अपने गेम के अंदर 25 दिसंबर के दिन कुछ स्पेशल इवेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि मेरी क्रिसमस स्पेशल रहेगा, जिसके अंदर सब लोगों को फ्री में काफी सारे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। जैसे कि अपने गेम के अंदर क्रिसमस स्पेशल एक अलग सा इवेंट आएगा, जिसके अंदर से कि सब लोगों को बिल्कुल फ्री में इमोट, गुलवाल, साथ में गन स्किन, फिस्ट स्किन और मैजिक क्यूब और भी बहुत सारे रिवॉर्ड्स वगैरह जो है बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना वीडियो। इसलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने क्रिसमस स्पेशल हर एक फ्री रिवॉर्ड्स के बारे में, जो कि आप लोग अपने क्रिसमस के थीम पे गेम के अंदर देखने को मिलेंगे। बाकी आइटम्स कैसे क्लेम करना है आज मैं वो भी बता दूंगा। साथ में बात करने वाले हैं एंजेलिक स्पेशल गाइस, एक न्यू लक रॉल इवेंट अपने गेम के अंदर आने वाला है, तो उसके अंदर क्या रिवॉर्ड्स मिलेंगे आज मैं उसके भी रिव्यू करा दूंगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सिर्फ इतने ही नहीं गाइस, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं अपकमिंग एक न्यू ओ इवेंट के बारे में, जिसके अंदर आपको डिस्काउंट मिलेंगे, काफी सारे आइटम और लोग उसके अंदर से बाय कर सकते हो। एंड हां, बाकी अपना जो ड्रैको के गेम के अंदर आने वाला है आज मैं उसके ऊपर भी अपडेट्स देने वाला हूं। साथ में गाइस को और भी काफी सारे अपडेट आप सबको वीडियो के अंदर आगे पता चलने वाला है, तो बस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा, साथ में लाइक सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ओके, अब आगे बढ़ते वीडियो में एंड बात करने वाले अपने ड्रैको के बारे में। गाइस देखो, अपने गेम के अंदर आप लोगों को ड्रैको के बैग देखने को मिलने वाले हैं, बिकॉज ये बहुत टाइम पहले अपने गेम के अंदर बैग आया था। एंड सबसे अच्छी बात गाइस देखो ये है कि भाई जितने भी अदर सर्वर है, मतलब उन सब के अंदर पहले ही आ गया है, बाहर के जितने भी सर्वर है। एंड गाइस सबसे अच्छी बात ये भी है कि अपने जो बांग्लादेश सर्वर है उसके अंदर भी ड्रैको के पहले ही बैग आ गया है। कहीं ना कहीं इस बात का चांसेस पूरे के पूरे है कि भाई देखो घरना वाले बहुत जल्द आप सबको अपने गेम के अंदर ड्रैको को बैग करा देंगे। हालांकि आप लोगों को दिसंबर पे नहीं, लेकिन आप लोगों को जनवरी मंथ पे ड्रैको के फिर से बैग देखने को मिल सकता है। गाइस देखो, आप लोग भी जानते हो अपने दिसंबर मंथ पे बहुत सारे इवेंट, बेहतरीन इवेंट गेम के अंदर आया हुआ है। एंड गेस और भी कुछ इवेंट वगैरह गेम के अंदर अपकमिंग में आने भी वाला है, इसलिए गेस को करना वाले दिसंबर पे अपने ड्रैको के तो बैक नहीं करेंगे, लेकिन अपना जो न्यू ईयर आने वाला है जनवरी मंथ पे, न्यू ईयर स्पेशल आप सबको ड्रैको के बैक मिलेंगे। एंड गेस को मुझे इसी का चांस सबसे ज्यादा लगता है, बिकॉज भाई न्यू ईयर स्पेशल अपने गेम के अंदर कुछ इवेंट वगैरह आने वाले हैं और ड्रैको के काफी समय हो गया है गेम के अंदर बैक आया नहीं है, तो भाई क्या पता करना वाले आपको ड्रैको के गेम के अंदर बैक करा दे न्यू ईयर स्पेशल के थीम पे। बाकी गाइस यहां पर अगर हम बात करें बिल्कुल कंफर्म डेट की, तो गाइस देखो अब तक इससे कुछ कंफर्म डेट पता नहीं चला है, लेकिन हां मैं कोशिश कर रहा हूं इसके ऊपर कुछ लीक्स फाइंड करने का, ताकि मुझे डेट वगैरह पता चल जाए एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं वो भी कवर कर दूंगा। बाकी आओ गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और यहां पर हम बात करने वाले हैं एक न्यू कॉल बैक इवेंट के बारे में। गाइस देखो अपने गेम के अंदर आज सुबह ही एक न्यू कॉल बैक इवेंट को दिया गया है। गाइस आप लोग यहां पर देख पा रहे हो जिस तरीके से कॉल बैक इवेंट आया है, हालांकि गाइस देखो इसके पहले भी अपने गेम के अंदर कुछ ऐसा इवेंट आया करता था, लेकिन इस बार का जो इवेंट है गाइस ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज ये जो इवेंट है गाइस ये आप लोगों को तभी कंप्लीट होगा जब आपके पास कुछ ऐसा आईडी हो गाइस, जिस आईडी को आप लोगों ने 10 दिसंबर से पहले बनाए थे। अगर कोई ऐसा आईडी है भाई जिसको आप लोगों ने 10 दिसंबर के दिन बनाया हो, या फिर 11 दिसंबर, 12 दिसंबर के दिन बनाया हो, तो भाई वो आईडी यहां पर एलिजिबल नहीं होगा। आप लोगों को कुछ ऐसा आईडी में कॉल बैक करना पड़ेगा जो 10 दिसंबर से पहले से बना रखा है। साथ में गाइस देखो शर्त और एक भी है कि भाई अगर आप लोगों का आईडी 10 दिसंबर से पहले बना हुआ है तो भाई ये तो है, लेकिन आपका जो आईडी है जिसको आप लोग कॉल बैक करने वाले हो वो लगभग 2 वीक से आईडी ऑफलाइन रहना चाहिए। मतलब पहला शर्त यह है कि भाई 10 दिसंबर से पहले आईडी बना होना चाहिए एंड गाइस आईडी 2 वीक से ऑफलाइन होना चाहिए। तो अगर गाइस आपके पास कुछ ऐसा आईडी है तो आप लोग उसमें कॉल बैक कर सकते हो, करके गाइस वहां पर से आप लोग को 10 गेम प्ले करना है। जिस आईडी को आप लोग कॉल बैक करोगे उसके साथ में आपको 10 गेम प्ले करना है। इसके बदले गाइस आप लोग को 10 इनक्यूबेटर का वाउचर मिलने वाले हैं, और उसको यूज करके गाइस आप लोग यहां पर अपने इनक्यूबेटर के अंदर स्पिन कर पाओगे। एंड अगर आपका लक वगैरह बढ़िया रहता है तो भाई आपको स्टोन और जो इनक्यूबेटर के साथ में दिया गया है ब्लू पेन की जगह वो टोकन आप लोग को मिल सकता है, तो भाई आप लोग बंडल को एक्सचेंज कर सकते हो। अब ये तो लक के ऊपर डिपेंड है कि भाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन 10 वाउचर आप लोग को मिल जाएंगे। इसके अलावा गाइस बात करें और एक न्यू इवेंट के बारे में, बिकॉज गाइस आज सुबह गेम के अंदर और एक इवेंट को भी दिया गया था, जो कि अपना नया मोकोस्ट और इवेंट था, जहां पर आप लोग को एक नया अपना एसीएटी गन स्किन देखने को मिले थे। हालांकि बात करें एट्रीब्यूट की, तो गाइस देखो एट्रीब्यूट आप लोग को थोड़ा मोड़ा ठीक ठाक मिल जाएंगे, कुछ खास एट्रीब्यूट नहीं है, लेकिन फिर भी सही एट्रीब्यूट हम इसको मान सकते हैं। इसके साथ में गाइस कुछ और सीथ स्किन वगैरह दिया गया है, अगर आपको इसके अंदर से कुछ भी आइटम बढ़िया लगता है तो आप लोग मोकोस्ट के अंदर स्पिन वगैरह कर सकते हो। बाकी गाइस देखो ये दोनों इवेंट को ही आज सुबह अपने गेम के अंदर दिया गया था, तो भाई यहां पर न्यू इवेंट को तो बात खत्म होता है। अब हम बात करने वाले हैं कुछ अपकमिंग अपडेट्स के बारे में। तो गाइस जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो अपने एंजेलिक के थीम पे आप सबको स्पेशल लकर वाला अपने गेम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं गाइस, जहां पर आप लोग को येलो एंजेलिक के थीम पे कुछ न्यू आइटम्स मिलेंगे। हालांकि गाइस को इसके अंदर आप लोग को व्हाइट टी शर्ट एंड ब्लैक टी शर्ट दोनों देखने को मिल रहा है, लेकिन ये मैं कंफर्म कर दूं गाइस इसके अंदर आप लोग को व्हाइट टी शर्ट देखने को मिल भी सकता है, लेकिन आप लोग को ब्लैक टी शर्ट जो देखने को नहीं मिलेंगे, बिकॉज ब्लैक टी शर्ट विंटर का है और आप लोग को मिलेंगे किसी अलग से इवेंट के अंदर। बस गाइस को घरना वाला अगर चाहेंगे तो भाई इसके अंदर आप लोग को अपना जो व्हाइट टी शर्ट है उसको अवेलेबल करा दे सकते हैं। साथ में गाइस यहां पर अपने येलो एंजेलिक थीम पे और भी काफी सारे आइटम आप लोग को देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि येलो एंजेलिक पैंट दिया गया है, साथ में गाइस येलो एंजेलिक थीम पे एक गुलवाल देखने को मिलेंगे, साथ में एंजेलिक स्कार्फ भी दिया गया है। एंड इसके अलावा गाइस देखो आप लोग को एंजेलिक के थीम पे एक नया बैकपैक भी इसके अंदर जो देखने को मिलने वाले हैं। बाकी कुछ इसके अंदर टोकन वगैरह दिया गया है, चाहे तो वो लोग टोकन से ही अपने एंजेलिक आइटम को एक्सचेंज कर सकते हो अपने स्टोर के अंदर से, क्योंकि आप लोग भी जानते हो सबका लक दमदार नहीं होता भाई, टोकन से यहाँ पर एक्सचेंज करने का मौका दिया गया है, ये काफी अच्छी बात लगा है मुझे। बाकी गाइस काफी जल्दी में अपने गेम के अंदर एंजेलिक का इवेंट आएगा, तो भाई उस टाइम पे आप सबको एंजेलिक थीम पे कुछ ऐसे तरीके से लक रॉल इवेंट अपने गेम के अंदर देखने को मिलेंगे, थोड़े मोड़े गाइस यहाँ पर रिवॉर्ड वगैरह करने वाले चेंज कर दे सकते हैं। बाकी अब बात करते हैं नेक्स्ट इवेंट के बारे में, जो कि एक नया स्पेशल डिस्काउंट इवेंट होने वाला है गाइस, इसके अंदर एक बेसिकली आपको इमोट दिया गया है। एंड गाइस यहां पर हम बात करें कैसे आप लोग को इवेंट को कंप्लीट करना है गाइस, को यहां पर बस आपको ड्रॉ करना है एंड भाई जितना आपका लक होगा उसके अकॉर्डिंग गाइस आप लोग को डिस्काउंट जो देखने को मिल जाएंगे।
पर एग्जांपल गाइस यहां पर मैं ड्रॉ किया हूं एंड गाइस आप लोग देख पा रहे हो गाइस यहां पर मुझे तीन तरह का डिस्काउंट मिला है 70% एंड 72% साथ में गाइस यहां पर मुझे मिला है 83% ऑफ। बेसिकली मैं कंफर्म कर दूं गाइस इवेंट बिल्कुल अपने फेडरल रूल इवेंट की तरह ही है लेकिन यहां पर आपको डिस्काउंट मिलेंगे अपने फेडरल रूल इवेंट के अंदर डिस्काउंट नहीं मिलता है। बस यहां पर हम बात करें डिस्काउंट को कैसे इस्तेमाल करना है गाइस को यहां पर जो 83% ऑफ मिला है वो आप लोग को मिलने वाला है 1-3 स्पिन के बीच में, मतलब कि आप लोग जो पहले 3 स्पिन करोगे उन 3 स्पिन में गाइस आप लोग को 83% ऑफ मिलेंगे। देन गाइस देखो जब आप लोग उसके बाद 4-6 स्पिन करोगे मतलब और 3 स्पिन करोगे देन आपको मिलने वाला है 72% ऑफ, मतलब कि 70% एंड गाइस देखो आप लोग जब लास्ट स्पिन करोगे तो वहां पर आपको मिलने वाला है 72% ऑफ। तो इस तरीके से आप लोग को स्पिन करना है जहां पर कह सकते हो कि ऑलमोस्ट आप लोग 200-300 रेवन के अंदर रेयर आइटम को बड़ा आसानी से ले सकते हो। गाइस देखो इसका भी लिंक मिला है, काफी जल्दी में आप सबको ऐसा एक डिस्काउंट इवेंट गेम के अंदर देखने को मिल सकता है। वहां पर इमोट के जगह पे कुछ गरना वाले कुछ और बंडल वगैरह या फिर रेयर आइटम दे सकते हैं। अब बात करते हैं अपने मेन इवेंट की, मतलब कि अपना क्रिसमस इवेंट स्पेशल किया कुछ फ्री रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो बाहर के काफी सारे सर्वर के अंदर कुछ इस तरीके से अपने विंटर इवेंट को दिया गया है जहां पर इवेंट का नेम दिया गया है ट्रिपल विंटर इवेंट, जिसके अंदर आप लोगों को काफी सारे टोकन वगैरह मिलते हैं साथ में कुछ टोकन आप लोगों को एक्सचेंज करने पर फ्री में काफी सारे बेहतरीन रिवॉर्ड्स मिलेंगे जैसे कि यहाँ पर गन स्किन मैजिक क्यू फिस्ट स्किन और भी काफी सारे रिवॉर्ड्स वगैरह दिया गया है। लेकिन मैं कंफर्म कर दूंगा इसको इतना बेहतरीन रिवॉर्ड आप लोग को अपने इंडिया सर्वर के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे बिकॉज आप लोग भी जानते हो इंडिया सर्वर के अंदर इतना खतरनाक रिवॉर्ड्स गिरने वाले नहीं देते फ्री में। बाकी सबसे अच्छी बात गस्त को इवेंट काफी शानदार है, इसके अंदर आप लोग को गोल्ड से स्पिन करना है एंड गस्त को गोल्ड से स्पिन करने पर आप लोग को फ्री में काफी सारे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, कुछ टोकन मिलेंगे बेसिकली आप लोग को उस टोकन से आप लोग इसे भराओगे अपने स्टोर के अंदर। सो इसके अंदर आप लोग को दो तरीके स्टोर मिलने वाले हैं, क्लासिक स्टोर एंड प्रीमियम स्टोर, जिसके अंदर आपको जो भी रिवॉर्ड्स बढ़िया लगते हैं गाइस आप लोग उन रिवॉर्ड्स को बिल्कुल आसानी से बिल्कुल फ्री में ही कुछ टोकन की मदद से एक्सचेंज कर सकते हो। अब गाइस देखो इवेंट तो काफी सिंपल है लेकिन गाइस मैं सही बताऊं तो भाई देखो गरना वाले ने इस बार अपने क्रिसमस को लेकर कुछ भी गाइस ऑफिशियल तरीके से अनाउंसमेंट नहीं किया गाइस। मुझे जितना लगता है कि भाई देखो आप लोग को अचानक से अपने क्रिसमस के दिन अपने गेम के अंदर कुछ बेहतरीन इवेंट वगैरह देखने को मिल जाएंगे क्योंकि अब तक अगर देखा जाए तो भाई देखो इसके बार कुछ भी अनाउंसमेंट गरना वालों ने नहीं किया है क्रिसमस को लेकर, इसलिए गाइस पूरा कंफर्म बताना तो मुश्किल है लेकिन हाँ कुछ बेहतरीन रिवॉर्ड आप लोगों को क्रिसमस के दिन अपने गेम के अंदर फ्री में देखने को मिल सकता है। बाकी ऑफिशियल कुछ भी अनाउंसमेंट इस बार के लिए नहीं किया गया है कि गरना वाला क्या करते हैं अचानक से कुछ बेहतरीन इवेंट को गेम के अंदर देते हैं जिसके बारे में ना ही लीक होता है मतलब अचानक से गेम के अंदर आते हैं, तो भाई इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। अब देखते हैं गरना वाला क्या कुछ करते हैं, तब तक हम बात करते हैं कुछ कमेंट्स के रिप्ले के ऊपर। बात करते हैं फर्स्ट कमेंट के बारे में, सनी भाई डायमंड डिस्काउंट कब आएगा एंड लो लिमिट का वापस आएगा गाइस? देखो लो लिमिट के बारे में इस टाइम पे कुछ अपडेट्स नहीं है फिलहाल के टाइम पे, अगर आएगा तो मैं जरूर बता दूंगा नेक्स्ट में। एंड रही बात डायमंड डिस्काउंट की गाइस, देखो नेक्स्ट में गेम के अंदर जो टॉप एंड आने वाला है वो आप लोगों को डायमंड डिस्काउंट के ऊपर ही देखने को मिलने वाले हैं, लेस इसमें डबल 11 या फिर कुछ और तरीका मिलेगा लेकिन मिलेगा डायमंड डिस्काउंट पे। बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, जो कि ये थे कि सनी भाई 92 रुपीस में 520 डायमंड का इवेंट कब तक आएगा एंड साथ में सर गिफ्ट टेस्टर में डिस्काउंट कब आएगा गाइस? देखो गिफ्ट टेस्टर में डिस्काउंट कंफर्म होता कि भाई आप लोग को अपने विंटर के थीम पे देखने को मिल सकता है लेकिन गरना वाले इसको दिया नहीं है अब तक, अगर मिलेगा तो आगे जाकर आप लोग को मिल सकता है नहीं तो आप लोग को जनवरी मंथ पे देखने को मिलेंगे। एंड बात करें लेस इसमें ऑलरेडी मैं इसको बता दिया हूं। अब गाइस आगे बढ़ते हैं एंड अगला कमेंट देख लेते हैं, सनी भाई इवोल्यूशन एक कब तक बैक आएगा एंड साथ में सनी भाई अपना जो ब्लैक टी शर्ट है वो कब तक रिटर्न आएगा? देखो बेसिकली गाइस को ब्लैक टी शर्ट के बारे में तो नहीं बताया हूं लेकिन अपना जो इवोल्यूशन एक है वो हमें ऑलरेडी आज के वीडियो के अंदर एड कर दिया था। एंड गाइस यहां पर अगर हम बात करें ब्लैक टी शर्ट तो भाई देखो आप लोग को विंटर के थीम पे कुछ न्यू इवेंट गेम के अंदर देखने को मिलेंगे जहां पर आप सबको ब्लैक टी शर्ट बैक मिल जाएंगे। बाकी गाइस अगला कमेंट देख लेते हैं, सनी भाई एंजेलिक इवेंट कब तक गेम के अंदर आने वाला है और एंजेलिक के थीम पे ब्लू पैंट वगैरह एंजेलिक का वो कब तक बैक आएगा? और साथ में कमेंट ये भी था कि सनी भाई ट्रॉपिकल ब्रेड कब तक बैक आने वाला है? बेसिकली गाइस को ट्रॉपिकल ब्रेड के ऊपर लीक्स मिला है कि भाई आप सबको गेम के अंदर काफी जल्दी में ट्रॉपिकल ब्रेड को करने वाले बैक करा देंगे और अगर ट्रॉपिकल ब्रेड नहीं भी आता है तो भाई देखो आप सबको विंटर के थीम पे एक नया M1W7 स्किन बहुत जल्दी अपने गेम के अंदर देखने को मिलेंगे। और रही बात एंजेलिक इवेंट, उसको मैं ऑलरेडी वीडियो के अंदर कंफर्म भी कर दिया हूं। बाकी तो गाइस देखो मेरा वीडियो बेसिकली आज का यही तक था, अगर आप लोगों को बढ़िया लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर आप पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर देना। गाइस मिलते हैं कल शाम को और एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।